सौ बोतल में पानी छोड़ने से हमारे स्टैंडर बन जाएंगे, हमारी एक अलग तरह की टोर बन जाएगी, पंजाबी से कहते टोर बन जाएगी। तो ऐसी टोर कोई बनने वाली है नहीं, क्योंकि जल देवता है और वो पानी हम बोतल को यूं ही फेंक देंगे और वो पानी जल देवता है और जल देवता पैर को टुकराते जाएंगे टुकराते जाएंगे टुकराते जाएंगे, तो डेफिनेटली एक दिन हम भी ठुकर जाएंगे। मैंने आज तो आपने मेरे दरबार में आकर के पानी छोड़ा है, लेकिन फ्यूचर के अंदर शादी विवाह में जाओ, किसी रिश्तेदारों की पार्टी में जाओ, कोई भी धार्मिक आयोजन के अंदर जाओ, अरे पहली बात तो आपको छोड़ना ही नहीं, और कोई दूसरा भी छोड़ता है तो उनको भी रोकना है, क्योंकि तो पैसे की कीमत है लेकिन उससे भी ज्यादा पानी की कीमत है। जिनको नहीं मिलता है ना उनको जाकर के पूछो। आज भी हमारे झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के धर्मशाला सब उधर की तरफ जाते हैं, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, आज भी राशन कार्ड के द्वारा दो दो लीटर एक दिन के लिए एक व्यक्ति को पानी मिलता है, दो दो लीटर मीठा पानी, इसको हम लोग मीठा पानी बोलते हैं, क्योंकि पानी है नहीं जमीनों के। और उन गांवों की परिस्थितियां मैंने अपनी आंखों से देखी हुई है, क्योंकि उन गांवों में हम लोग रुके हुए, छोटी काटू है बड़ी काटू है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे गांव है जो रेगिस्तानी एरिया, वहां पर पानी की मिलू, उन लोगों को पूछो इतना सा पानी छोड़ दे इतना एक थप्पड़ पड़ती है कि तूने पानी छोड़ा तो कैसे छोड़ा, वो भी मीठा पानी, पांच फुट शरीर के इतना सा पानी तेरे को कौन सा दुखदायी बनेगा। आप लोग भी राजस्थान को रहते हो, चाहे दिल्ली के अंदर हो तो राजस्थान के और उसी एरिया के हो, लेकिन फ्यूचर के अंदर आप हाथ जोड़ करके संकल्प लो कि हम लोग पानी झूठा आने देवता को तो झूठा छोड़ना नहीं, लेकिन जल देवता को भी क्यों झूठा छोड़ना, और झूठा छोड़ने के बाद पैरों की धोते उन बोतलों के ऊपर लगती है लगती है लगती है, और आखिर एक दिन व्यक्ति कंगाल हो जाता। इसी कारण से आज जो करोड़पति होता है ऐसी टोर बनाने के लिए अपना स्टैंडर्ड बनाने के लिए ऐसा कोई वर्क करता है तो निश्चित मात्र कंगाल होते हुए भी देर नहीं लगती। पूर्व काल के अंदर जल सेवा लोग करते थे, आज भी कई जगह श्री करणपुर मेरा पिछले साल चातुर्मा था तो बहुत सारी जल सेवा संस्थाने वहां पर रेलवे स्टेशन पर जाकर के जल सेवा करती है, जो 20 रुपए की बोतल खरीद करके पानी नहीं पी सकता है उनको पानी पिलाते हैं। आप लोग भी ध्यान रखना कि फ्यूचर में कहीं पर भी जाओ ये स्टैंडर्ड ना बढ़ाई हो, टोटल पर पानी छोड़ दो, थोड़ा सा जल जीरा छोड़ दो, दुनिया कहेगी बाकी पढ़ा लिखा आदमी है, इससे तो दिन मूर्ख ही अच्छे। और हम लोग उस भाषा में कह देते हैं कि अगर इतना सा पानी छोड़ दे तो पढ़ा लिखा मूर्ख है, इसलिए आप ध्यान रखो कभी भी पानी को बहते चिल्लाने ना दियो। माना कि इतना पानी बरस रहा है लेकिन जहां नहीं बरसता उन लोगों की परिस्थितियों को मैंने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन आप लोगों से मैं जरूर गुजारिश करना चाहूंगा हाथ जोड़कर विनम्र कि आप लोग कभी भी ऐसे पानी को तिरस्कार ना दें, इसको हम लोग अपमान समझते हैं जल देवता का। आप होंगे पैसे वाले तो अपनी जगह होंगे, लेकिन जब कंगाल भी होगी तो ही जल देवता अन्य देवता ही कंगाल करते हैं, इसलिए आप ध्यान रखो। और उनको मैंने सबक सिखाया, वो सबक आप लोगों को भी सीखने की जरूरत है। ऐसी मंगल सरकार ने आप सभी भक्तात्मा के लिए विनम्र निवेदन है, और हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं बहुत ध्यान रखते हैं, और आप लोग बहुत ध्यान नहीं रखते इसलिए ध्यान रखा करो। ऐसी मंगल सरकार ने आप सभी भक्तात्मा के लिए करता हूँ।